तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म रोप है जिसका मास है मैं हैंगिंग फ्रॉम द सेलिंग, ठीक ना। ये रोप है, रोप के पास मास है। ये बर्ड क्लाइम, बर्ड मास कैपिटल क्लाइम विथ एक्सलेशन ए, फोर्स एग्जर्टेड बाय द रोप, रोप ऑन सेलिंग। मतलब ये जो सेलिंग है, ये जो सेलिंग देख रहे हो आप, ये सेलिंग पे कुल कितना फोर्स लगेगा अगर ये बर्ड ए एक्सलेशन से ऊपर क्लाइंब कर रही है। तो देखो, ये जो सेलिंग है और ये रोप है अपना, और ये सेलिंग है, ये छत है, ठीक है ना। तो सेलिंग पे कुल कितना फोर्स लगेगा सेलिंग पे, वो हमें अगर हमें कैलकुलेट करना है सेलिंग पे, तो मैं क्या करूँगा, फोर्स ऑन सेलिंग। तो फोर्स, टोटल फोर्स देखोगे, फोर्स ऑन सेलिंग, फोर्स ऑन सेलिंग जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, वो फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ रोप तो लगाएगा ही, प्लस फोर्स एग्जर्टेड बाई बर्ड, ठीक ना। दैट इज, वो टेंशन ही होगा, ठीक ना। स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो डेवलप हो किया होगा यार। इसको अगर नीचे पकड़ के खींचोगे तो ये भी तो, छत भी तो नीचे खींचेगा, समझ रहे हो। तो अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, बर्ड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो जब मैं बर्ड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं ये देखूंगा, ये अगर मैं इस बर्ड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो इस बर्ड पे लगने वाले कुल कितने फोर्सेस हैं ये देखो। तो बर्ड पे अगर तुम देखोगे तो बर्ड ऊपर जा रही है, एक्सलेट कर रही है, तो ऊपर जा रही है, ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसने रोप को नीचे खींचा होगा, समझ रहे हो। तो रोप को अगर नीचे खींचा होगा तो रोप पर टेंशन नीचे लगा होगा, तो टेंशन इसके हाथों पर टेंशन ऊपर लगा होगा, तभी तो ऊपर जा रही है। फोर्स ऊपर लगेगा तभी तो ऊपर जाएगा यार। और mg इसको नीचे लग रहा होगा इस मामले में, और ये दोनों मिलके इसको ए एक्सलेशन ऊपर दे रहे हैं। बात आ रहा समझ में? इसका मास कैपिटल M है, तो कैपिटल mg। अब मैं इसका बर्ड का इक्वेशन लिखूँ तो टी माइनस कैपिटल mg इज इक्वल टू मास इसका और इसका एक्सलेशन, तो टेंशन डेवलप हो जाएगा कैपिटल A+G। वैसे भी यार, कोई भी चीज़ अगर ऊपर जाती है तो उसका एक्सलेशन A+G होता है, तो उस पर लगेगा फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, एम ए प्लस जी। बात समझ में आया? और तो टोटल फोर्स, अगर फोर्स टोटल ऑन सेलिंग देखोगे तो रोप का मास m है और बर्ड का जो टेंशन है t डेवलप हुआ, नीचे बर्ड t खींच दी स्ट्रिंग को, तो एम जी प्लस कैपिटल m ए प्लस जी के इक्वल आ जाए। दिस इज द टोटल फोर्स ऑन सेलिंग, ठीक ना। सेलिंग पे उतना फोर्स लगेगा जितना रोप उस पर लगाएगा। तो अगर तुम इस लॉजिक से देखोगे तो अपना बी ऑप्शन सही हो जाता है। थैंक यू।